वेरी वॉर्म वेलकम टू वैसे कॉन्वेंट नेट इंग्लिश हिंदी। जैसे कि आप देख सकते हो आज हम आए 109 अब्दुल रहमान साहब का उर्स है और हमारे साथ में शिवसेना के समन्वयक श्री फैजुल्ला खान जी, वाई के फाउंडेशन के चेयरमैन है। माशाल्लाह हर साल की तरह इस साल भी मेडिकल कैंप रखा गया है। फैजुल्ला खान जी, सबसे पहले मैं आपसे जानूंगा कल जो इंसिडेंट हुआ था उसके बारे में, जो डीजे को लेके जो इंसिडेंट हुआ उस बारे में बताएंगे आप। सबसे पहले मैं हाजी अब्दुल रहमान शाह और दरगाह का उर्स मुबारक बोलना सबको चाहता हूँ, तमाम आवाम को। और कल का जो इंसिडेंट था, लोगों को हम बोल रहे हैं कि भाई डीजे मत बजाओ, ख़ास तौर से यंग बच्चे 18 से 22 से। हमने 11वीं मना किए, 12वीं शरीफ में मना किए, 11वीं मना किए और ये उर्स में मना किए हमने। सिर्फ पैसों की बर्बादी है और इसके अलावा और कुछ नहीं है। यंग बच्चे बिगड़ रहे हैं, नाच रहे, गा रहे, उससे बेहतर यही था मैंने बोलना। मेरी सोच ये थी कि भाई ये पैसे गरीबों बच्चों को यतीमों के गाने में दे दो, आप मस्जिद में दे दो या कोई न्यास कर दो। इससे सिर्फ पैसे की बर्बादी है और बच्चों को का माहौल और एरिया का माहौल ख़राब हुआ इससे। रात को तो मुंबई पुलिस का मैं शुक्र अदा करता हूँ कि उन लोगों ने बहुत बखूबी बहुत अच्छे से कंट्रोल किया। हमारे DCP साहब आ गए थे, जॉइंट CP आए थे, वो Zone 2 के DCP साहब आए थे। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उनकी वजह से आज माहौल सही तरीके से चल रहा है। और पुलिस ने कल रात से ही सारी गलियों में घुस घुस के DJ की जितनी मशीनें सब लेके अपने पास रख ली। बहुत सारे फ़ोन भी मुझे आए लेकिन मैंने उन लोगों को मना किया कि जिस चीज़ को मना की गई है हमारे इस्लाम में और पुलिस भी बखूबी मना कर रही है, आप लोग उसे बजा के माहौल ख़राब कर रहे हो। आप मुझे फोन मत करिए, मैं इसके बारे में कुछ नहीं करने वाला हूँ बस। अच्छा, और ये उर्स का जो आखिरी दिन है इस बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? मतलब हर साल की तरह इस साल जो इंतजाम है, हर साल की तरह जो गर्दी पब्लिक है, आपको कैसा मतलब रिस्पॉन्स? ये ऐसा है ना कि ज़ाहरीन जो है ना पूरे महाराष्ट्र से आ रहे हैं माशाल्लाह, और पूरे जो लोग हाजी अब्दुल रहमान शेवाओ की जो पब्लिक है, मतलब आवाम, दिन पे दिन मोहब्बत सरकार की बढ़ती जा रही है। इससे पहले उर्स के अंदर इतनी पब्लिक नहीं थी, ये साल माशाल्लाह बहुत पब्लिक आई है। बस मैं यही चाहता हूँ कि आइए आप लोग, DJ मत बजाइए, बस मेरा बोलना ख़ास तौर से यही है। DJ बजा के माहौल मत ख़राब करिए और आप अपनी सेहत ख़राब कर रहे हैं। छोटे बच्चे घर में रहते हैं, बूढ़े रहते हैं, इतनी ज़ोर से DJ बजा के आप लोग इस तरीके से माहौल ख़राब करके क्या मतलब आएगा? सिर्फ नुकसान रहेगा, आपका भी नुकसान रहेगा, आपके पैसों का नुकसान रहेगा और सामने वाले की तबीयतें ख़राब हो जाएंगी, किसी को हार्ट आएगा, कुछ छोटे बच्चे हैं। बस यही बोलना है मेरे को खास तौर से। अच्छा, एक बात बोलना चाहूँगा, जैसे DJ को लेके जो इशू चल रहा है, मैंने 4-5 दिन पहले कमेटी की तरफ से भी एक मैसेज इशू हुआ था कि लाइक DJ बिल्कुल भी मतलब नहीं करना, ये 4-5 दिन पहले आपने देखा होगा सर। ये 4-5 दिन से नहीं चल रहा है समीर भाई, ये 3 महीने से चल रहा है। जब हमारी मीटिंग हुई थी एक बार फाइनली, जो 4-5 दिन पहले सोशल मीडिया के थ्रू नाम के साथ में अब्दुल रहमान साहब हुआ, ऐसा मैसेज जो उससे एक बहुत फ़र्क, लाइक मैंने भी देखा तो मुझे खुद अच्छा लगा था, मेरे को खुद यार एक ये DJ के बारे में लोग ने अभी पाबंदी लगा। लेकिन आवाम ने नहीं सुनी ना। बिल्कुल बिल्कुल, आवाम अगर सुनती तो आज ये कल वाला रात वाला माहौल होता ही नहीं। मैं तो आप लोग आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ हमारे भाइयों को, हमारे बच्चों को, कि एजुकेशन को देखो, ये सब चीज़ें हमारे काम में ना दीन में आने ना दुनिया में आने वाली है। सिर्फ नुकसान ही होना है उससे, आपकी जानों का नुकसान होगा, आपके मालों का नुकसान होगा और इसके अलावा और कोई फ़ायदा नहीं है बस। थैंक यू। फ्री मेडिकल कैंप जो है उसके डॉक्टर साहब है सर, आप बताएंगे कैसा आपको लग रहा है, लाइक अपना कैसा रिस्पॉन्स? ये अस्सलाम वालेकुम, पहली बात तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है यहाँ पे दरगाह शरीफ पे एक मेडिकल कैंप का, और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा खिदमत खल करके। और जिस तरीके से मैं यहाँ पे बैठा हूँ और आवाम का जिस तरीके से रिस्पॉन्स आ रहा है, हर दिन जिस तरह उनको फ़ायदा पहुँच रहा है मेडिसिन से, और उनका जो एक रागिब होना मेरी तरफ़ है वो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा वाई खान फाउंडेशन का कि उन्होंने मुझे ये खिदमत करने का मौका दिया। हर साल करते हैं फैजुल्ला? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस साल जुड़ा हूँ भाई से, और इंशाल्लाह हर साल मैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करने की कोशिश करूँगा, मैं और मेरी टीम। थैंक यू। आपका नाम बोलिए। मेरा नाम माजिद खान है, मैं आज़ादीन वेलफेयर फाउंडेशन से भी हूँ, मैं खुद प्रेसिडेंट भी हूँ। सबसे पहले तो मैं सबको उर्स की मुबारकबाद दूंगा, और माशाल्लाह मैं डोंगरी का ही रहने वाला हूँ, इसी गली में रहा हूँ मैं, और वाई खान फाउंडेशन को मैं दिन ब दिन देखता जा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, उनके जो कामात को वो अंजाम दे रहे हैं। और इसमें एक बात मैं ज़रूर बोलूँगा कि फैजुल्ला भाई अपने
नाम के मुताबिक ही लोगों को फैज़ पहुंचा रहे हैं, क्योंकि उनका नाम ही फैज़ुल्ला है, तो इंशाल्लाह वो फैज़ लोगों को वाकई पहुंचा रहे हैं। और अभी तक मैंने सुना हो कि 1100 लोगों ने यहाँ से फ्री ऑफ कॉस्ट दवा का फ़ायदा लिया है, और मैं दुआ करता हूँ कि इंशाल्लाह आने वाले समय में भी जब तक ये कैंप चल रहा है और अगले साल भी लोग इसी तरह फ़ायदा लेता रहे। और अल्लाह ताला इनकी टीम को, डॉक्टर इमरान माशाल्लाह काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, वाई खान फाउंडेशन की पूरी टीम यहाँ सातों दिन से लगी हुई है, और ये बहुत अच्छा काम हो रहा है और आगे भी इस तरह से चलते रहे। थैंक यू वेरी मच। शकील भाई समन्वयक ठीक से ना। शकील भाई सबसे पहले मेरा ये एक सवाल, इन दिनों सबसे ज़्यादा वाई के फाउंडेशन मतलब हर पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में सबसे आगे देखा जा रहा है, कहीं भी पॉजिटिविटी रहेगी, फ्री मेडिकल कैंप हो गया, आधार कार्ड कैंप हो गया, लाइक कुछ भी पॉजिटिव सबसे आगे वाई के फाउंडेशन, इस बारे में क्या बोलेंगे आप? भाई देखो, इसमें सारा मामला क्या होता है कि इंसान के दिल के अंदर क्या है, उसका जज्बा क्या है, और जिसका जैसा बातिन होता है वो जाहिर पे खिल करके आता है। और मैंने, जैसे मैं खुद शिवसेना से जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन वाई खान फाउंडेशन के साथ में मैंने अपने आप को पूरी तरह से ढाल दिया। अपना पूरा वक्त कोशिश करता हूँ, आधा दिन जो है पूरा जो है दोपहर के बाद का वाई खान फाउंडेशन को इसलिए देता हूँ कि वाई खान फाउंडेशन ने कौम की खिदमत के लिए जो भी उनके पास आता है, किसी भी मज़हब की बिना किसी तफरीक के, चाहे हिंदू आ जाए चाहे मुसलमान आ जाए, वो हर किसी की खिदमत में लगे रहते हैं, ज़रूरतमंद। उनका एक ही कहना है कि अगर मेरे ज़रिए से या मेरी फाउंडेशन के ज़रिए से अगर किसी एक मरीज़ का भी काम होता है तो मैं खुशकिस्मत अपने आप को समझता हूँ। और उन्होंने अपने फाउंडेशन की जो नस्बत जो रखी है ना, अपने वालिद साहब के नाम पर रखी है, तो इसको उनके करने का सबसे बड़ा मकसद ये भी है कि मैं जो भी खैर के काम करूँगा इसका सवाब जाहिर बात है कि मेरे वाली साहब को पहुंचेगी। और ये बहुत अच्छा तरीका है, ये मैसेज है, मैं हर किसी को, जितने भी लोग फाउंडेशन चलाते हैं, मैं उनको यही देना चाहता हूं कि वो भी इसी जज्बे के साथ में करें। देखिए, वाइट फाउंडेशन है जिसने किसी से भी पैसे लेने के चक्कर में नहीं जाती, ये अपनी जेब से ही लगाते हैं, जितना इनसे हो सकता है वो करते हैं। मैं मुबारकबाद देता हूँ और दुआएँ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला इनकी तरह और भी लोगों को मैदान पर लाए और अमल करने की कोशिश करें और उनको उसमें कामयाबी दे। अच्छा शकील भाई, कल जो इंसिडेंट हुआ डीजे को लेके गोल देवल के पास, उस बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? भाई देखिए, जब ये मामला हुआ है, मैं और फैजुल्ला खान साहब, हम लोग मामला लगभग पुलिस के पूरे कंट्रोल करने के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे थे। गली न्यूज़ का एक न्यूज़ भी उनकी चल रही थी, उसमें भी हमारा फ़ोटो आया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि पुलिस ने अपना बहुत ही बेहतरीन किरदार अदा किया। मतलब पुलिस ने जगह पे पहुंच के जो लोग नाराज़ थे, जो लोग गुस्सा थे, उनको कंट्रोल किया और हालात को बिल्कुल बिगड़ने नहीं दिया। खास करके वीपी रोड पुलिस स्टेशन के जो लोग हैं वो भी तारीफ़ के लायक हैं। डीसीपी साहब थे, जॉइंट सीपी साहब थे, सबको बहुत बहुत शुक्रिया मैं उनको कहूँगा हमारे लोगों की तरफ से। थैंक यू। जैसे ही शकील भाई ने बताया, बहुत ही वाकई में मैं मुंबई पुलिस को बहुत अच्छे काम किया कल के बारे में जो हुआ था इंसिडेंट, 10-15 मिनट पूरा मतलब हालत पे उन्होंने काबू पाया। थैंक यू। इन जय महाराष्ट्र, द वॉइस ऑफ कॉमन मैन न्यूज, समीर कुरैशी। थैंक यू।